गुड इवनिंग गाइस, आज मैं भाई और भाभी के घर पे आया हूँ। तो आज हमारी भाई और भाभी का स्पेशल डे है। तो आज इस स्पेशल डे में हम थोड़ी सी छोटी परिवार और हम मिलके फिर गैदरिंग कर रहे हैं। द लॉस्ट मैन इज वंस अगेन, द लॉस्ट मैन इज हियर, आप देख ही रहे हो। तो आज हम देखेंगे आप, आज को मैं आप एक नया सदस्य आपको दिखाऊँगा, हमारी छोटी सी नया टोन, हमारी टोन को दिखाएंगे। छोटा डोन कहाँ है? ये हमारी छोटा डोन है। छोटा डोन, हेलो छोटा डोन, क्या कर रहे हो यहाँ पर? छोटा डोन, ये आप देख सकते हैं छोटा डोन, और इनकी दोस्त है, ये हमारी भाई की साली है। तो आप देख सकते हैं आज इन स्पेशल बना रहे हैं, आज क्या कुकिंग कर रहे हैं हमारी भाई और भाभी घर पे। आप लोग क्या कुकिंग कर रहे हो? ये हमारी भाभी है, हाय बोलो यहाँ पे। ये ब्रदर है मेरा, देखिए फिश, आज फिश बना रहे हैं। ये फिश कौन सी फिश है? ये है ये कतला फिश में, कतला ही कतला है। देखो तो भाभी जी है हमारी, एकदम भाभी जी बोल रहे हैं कि उनके फेस नहीं दिखाने के लिए, तो हम बाद में दिखाएंगे इनको, एकदम ड्रेसअप सब करके आएंगे। तो आज हम भाभी जी की थोड़ी सी स्पेशल डे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या स्पेशल डे है, तो मैं आपको चुपके से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारी छोटा डोन को हम देखेंगे आज को। तो ये छोटा डोन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कभी भी किसी गुड़गांव में या किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम हो या कभी भी कुछ होना, तो आप हमारे छोटा डोन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे छोटा डोन को, और मुझे बता सकते हैं लॉस्ट मैन ब्लॉग, लॉस्ट मैन की ब्लॉग में छोटा डोन के लिए, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा डोन देखिए, छोटा डोन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटा डोन अभी हमारी पूरा बेस्ट दिखाई देता है आपको खाने में। तो खा रहा है फिश, खा रहा है हमारी छोटा डोन फिश खा रहा है, और साथ में राइस एंड दाल खा रहा है। छोटा डोन की गर्लफ्रेंड है ये, गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, ओ सिस्टर है, सिस्टर सिस्टर, ये इनको देखो, इनको इनको इनका मतलब क्या बोलते हैं, खेमा, खेमा मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आप लोग क्या जानते हैं, जैसे कि भाभी जी का बहन, इसका मौसी, मौसी मौसी, तो मौसी को देखिए। छोटा डोन हाय बोल दो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, इसमें पूरा छोटा डोन बिजी है, बिजी है, ये देखने में बिजी है ना, थोड़ा सा ये कार्टून सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी ये इसकी बाहर, ये हमारी थोड़ा भाभी भाभी का रूम है, तो ये यहाँ पर, तो हम आपको आज को दिखा देंगे, आपको दिखाएंगे हम, मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़े से ऐसा नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से हमारी। ये सिकंदरपुरी है, मैं जा रहता हूँ ना, मैं जा रहता हूँ ना दोस्तों, ये सिकंदरपुरी है, बट ये सिकंदरपुरी का सर जहाँ मेन रोड है, थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा मार्केट की तरफ, रोड की तरफ साइड, रोड साइड थोड़ी सी ये बिल्डिंग्स वगैरह बना होता है, तो वही है, तो बिल्डिंग्स वगैरह की साइड में ही है, तो ये रोड की साइड ना बिल्डिंग्स है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रोड की साइड दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं रोड साइड में ना, वहाँ पर गन्ने वाला है, गन्ने वन्ने हैं। तो आज को मौसम भी काफ़ी बारिश होने का चांसेस लग रहा है, मौसम भी अभी हमारी तैयारी हो रहा है, भाई और भाभी तैयारी कर रहे हैं अभी हमारी, तो खाने पीने का भी तैयारी, 10 तो बज चुके हैं, तो आज भी हमारी लेट होंगे, क्योंकि कल भी हम दूसरे हमारी घर की पड़ोसी के पास ऐसे ऐसे कुछ प्रे वगैरह हुआ था, तो आज यहाँ पर भी हमारी लेट ही होंगे, आज भी ऐसे 10-11 बज जाएंगे आते आते। तो आज हम, तो फिर हम भाई और भाभी जब रेडी होके आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। गाइस मैंने आपको बताया था ना कि आज हम भाभी के घर पे हैं, तो आए हैं मुड़ के, तो आज क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो छुपके से बता देता हूँ। आस्ते से एनिवर्सरी, भाई लोग, भाई और भाभी का एनिवर्सरी है, तो आज हम आए हैं, तो भाई और भाभी का एनिवर्सरी, चलो शुरुआत हुआ है तो चले आते हैं, चले केक काटना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखिए
केक काटने के लिए रेडी हुआ है। ये केक है देखो, हमारी पास बहू है यहाँ पर, अब केक काटने जा रहे हैं हमारे भाई और भाभी। हम देखते हैं देखो गाइस केक काट रहे हैं। काटने के लिए जा रहे हैं तो भाई, हमारी भाई और भाभी का 5 साल हो चुका है शादी किया तो 5 साल का एनिवर्सरी है भाई, छोटा सा टू गैदरिंग एनिवर्सरी भाई और भाभी की। उसमें तो हमारी सिस्टर है देखो, छोटा डोन एकदम ध्यान के साथ काट रहे हैं भाई और भाभी, आप देख सकते हैं। और जो बोलो हमारी छोटा डोन तो सब लोग अब गिफ्ट देने का तैयारी कर रहे हैं, सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं यहाँ पर। गाइस आप देख सकते हैं ये हमारी भाई है, ये केक है, केक देखा वाह मस्त केक है, मस्त आप देख सकते हैं एकदम वीडियो में सभी लोग एकदम वीडियो में सब मस्त है, केक काटने में मस्त है, केक काटने में खा भी लिया। अरे हमें तो मिला नहीं केक। आज की रेसिपी में देख सकते हैं ये क्या है, ये कौन सा चटनी है, गोरखा चटनी। ये गोरखा चटनी हमारी नेपाली में गोरखा चटनी कहता है, तो हम बेसिकली हमारी नेपाली में गोरखा चटनी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड फेवरेट है हमारी डिश में। तो आप इस चटनी को खा सकते हैं, चटनी मतलब ठीक है लाइक सैलड की तरह एकदम गोरखा चटनी एकदम एकदम ये किसका खाना है, इनका खाना है ये एक खाना, कौन से क्या खाना खा रहे हो आप, चावल क्या खा रहे हो, दाल चावल सिंपल खाते हो, हमें सिंपल वैसे भी सही होता है खाना एकदम। और देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ आज फिर डिश में, किचन में जाके हम देखते हैं और आज की डिश दिखाओ क्या 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 बनाया आप लोग ने। आज की डिश के अंदर घुस जाते हैं ये किचन में, ये क्या चीज़ है, गोरखा चटनी है, ये है चावल साग पीस दाल एंड भाभी जी इसमें क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं हमारी भाभी जी राइस को। और चलो हम स्टार्ट करते हैं खाने खाने के लिए, आप लोग भी हमारी खाना में हमारी ये फैमिली जो टुगेदर है, छोटा सा एनिवर्सरी है, हमने इस बार इतना थोड़ा बड़ा एनिवर्सरी नहीं किया, एक छोटी सी फैमिली है ना एक साथ में बैठ के। गाइस हम खाना खाने जा रहे हैं, तो आप खाना खा रहे हैं, आप देखें हमारे खाना आ चुके हैं, तो आज सर किए तो मेरा भी आने वाला है, तो मेरा तो लेट आ रहा है तो आने वाला है, तो कब पता नहीं कब लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैंने बताया था गोरखा चटनी, अभी खा के बताता हूँ कि आपको कैसा कैसा लगे लगता है कैसे बनाया था। देखिए आ गया है खाना हमारी एकदम, ये फिश है आप देख सकते हैं, नहीं नहीं मैं हाथ से खाऊंगा एकदम। हम खा के गाइस आप जा रहा हूँ खाने के लिए, तो चले खा के टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है, फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक है आप लोग को। चलो गाइस अब हम रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको मिलेंगे, और इसको भी चले गुड नाइट बोलो। यहाँ पे हमारी डोन हेलो डोन गुड नाइट बोलो यहाँ पर जल्दी। हाँ आज कुछ डोन को मूड नहीं है क्योंकि गुड नाइट बोलेगा,
आज। चलो गाइस, इस वीडियो को हम यही रखते हैं और स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे फिर मिलते हैं।